ऐसा कभी हुआ नहीं, जो भी हुआ हुआ। दोस्तों, पूनम ढिल्लो बॉलीवुड की एक जानी मानी भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। उनका जन्म 18 अप्रैल 1962 को यूपी के कानपुर शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम अमरीक सिंह है, जो कि एक एरोनॉटिक्स इंजीनियर थे, और उनकी मां का नाम गुरुचरण कौर है। पूनम ढिल्लो 1977 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब भी अपने नाम कर चुकी है। इसके अलावा वह फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामांकित की जा चुकी है। मैं हूँ हसीना, खोल दरवाजा, दिल का आ गया दीवाना तेरा। दोस्तों, सन 1978 में पूनम ने मिस यंग इंडिया का खिताब अपने नाम किया तो वह सुर्खियों में आ गई थी। अब मुझे माफ करे मेरा इंसान। और निर्देशक यश चोपड़ा की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म त्रिशूल में उन्हें एक रोल ऑफर किया। इसके बाद यश चोपड़ा ने ही उनसे प्रभावित होकर अपनी अगली फिल्म नूरी में लीड रोल दिया। इस फिल्म को चोपड़ा ने ही प्रोड्यूस किया था। ढिल्लो को इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय करने के लिए फिल्म फेयर के अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। दोस्तों, इसके बाद से अब तक वह लगभग 100 भारतीय फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अरे बोल तू मीठे बोल सोनिए, तन भी तेरा मन भी तेरा जान भी तेरी। पूनम ने अपने शुरुआती दिनों में बंगाली, कन्नड़ा, पंजाबी और मराठी फिल्मों में भी काम किया है। मोहब्बत रंग लाएगी जना। और इसके अलावा पूनम कई टीवी सीरियल्स में भी नजर आ चुकी हैं। देखो ये कौन आया, देखो ये कौन। दोस्तों, वह साल 2009 में टीवी शो बिग बॉस में भी नजर आ चुकी हैं। दोस्तों, फिल्मों की तरह ही उनकी शादीशुदा जिंदगी भी काफी चर्चा में रही। साल 1988 में उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर अशोक ठकेरिया से शादी कर ली थी। कहनी है दो बातें तुमसे, मगर कहूँगा कानों में जो तुम कहना नहीं किसी से। हो गए दीवाने तुमको देख कर इस हाल में, तू ही तू है मैं खो गया तो तेरा हो गया। लेकिन यह शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई और साल 1997 में दोनों ने तलाक ले लिया था। तलाक के बाद अब पूनम अपने बच्चों के साथ अलग रहती हैं। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड की महान अदाकारा पूनम ढिल्लो कैसी लगती हैं? हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही मसालेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।